मुझे मैं इस टीम का वीडियो भी आज सुबह एंड किया, उस दिन भी बोला 27th एंड अपना SB308 का डिलीवरी वाला वीडियो भी आज ही मैंने शूट किया, आज ही मैंने एडिट किया है एंड आज ही मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अपना दोनों गाड़ी लेके जाने वाले हैं हम गैराज पे, क्योंकि SB308 के डिलीवरी डे वाले वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत सारा काम है अभी गाड़ी में। इस टीम का हेड वाले वीडियो पे भी मैंने बोला था इस टीम में भी काम बाकी है, तो दोनों गाड़ी लेके एक साथ जाएंगे एंड मेरा टाइम आज 6 बजे के पहले घर पहुंचना है, मुझे बहुत सारा काम है थोड़ा बहुत। लेट्स सी शूडियो का वो आ रहे हैं अभी शोनोता के साथ एंड देखते हैं क्या करते हैं, अभी इधर पे ही गाड़ी को खोल देते हैं या पार्ट्स एस्टिंग में बैठा के लेके जाते हैं या फिर गाड़ी को ही गैराज पे लेके जाते हैं, क्या होता है जो भी होगा आप लोग साथ में रहना एंड लास्ट तक वीडियो को देखो, दोनों गाड़ी साथ में निकलने वाला है अपना। काम हो रहा है, खुल चुका है ऑलरेडी। এটা বাঘার গাড়ি, এটাকে নিয়ে এটা বাঘে চড়ানো হবে। এটা বাঘার গাড়ি, বাঘার এটা সারিয়ে দিয়ে আছে। মারবো হয়ে চুকা লাগ রা হ্যায়, লেটস সি। অন্দর মে যে তেল হ্যায় না, ও সর গিয়া। और मेरा गाड़ी का जो सक्शन पाइप टाउ के पास था वो लग चुका है ऑलरेडी। 86 का गाड़ी से अभी भी पानी निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन, तेल निकल रहा है। शुभ्रियों का भी लगा हुआ है आगे सर। जुदा ही था सिविक लेके, बड़े लोग बड़ी बात। काकू आया फेजर लेके एंड घर पे तेल निकल रहा है भाई, इधर से तेल निकल रहा है भाई टंकी से, समुद्र ने निकाल दिया। फिर हम लोग जाएंगे अभी तेल लेने, लेट्स गो। कितना सारा व्हीकल्स है एक बार में, इधर पे इधर पे इधर पे 3, 4, 5, 6 सब अपना है भाई। 6, 4 120 गन फिट SB308 भाई इजीली। मन हे खेलना गाड़ी ओपर एक दैत्य बस गए प्रैक्टिकलिटी ओपर। मार्केट को तो नंबर दे दिया गेट पर, ए पूजा समय में धा दियो तो गाइड। ओके ये सात लीटर तेल निकला गाड़ी से, अभी नया फ्यूल जा रहा है। तेल घोड़ी ही अच्छे भाई, तो भाई तेल तो भाई गुरुजी है बहुत दिनों बाद ब्लॉग में। हेलो, तो इस गाड़ी का क्या रिपोर्ट हुआ? बाकी सब तो हो चुका है ठीक ठाक। अभी पुराना मॉडल है ना, अभी तो उसको गर्म हो जाता है, ओवरहीट हो जाता ये है। इसको हम लोग बंगाली में बोतल का बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। यस, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है बहुत गर्म हो जा रहा है तो गाड़ी स्टार्ट छोड़ दे रहा है, तो अभी फिर से जब ठंडा होगा तब गाड़ी स्टार्ट लेगा, तो ये सब नहीं हो सकता ना, ये सब इसको पूरा बदलना पड़ेगा। इसको एक्चुअली पिकअप कॉइल बोलता है, इसको बदल देंगे। बाकी सब गाड़ी का चंगी से, बैटरी इधर पे प्लग इन हो चुका है, थोड़ा वो ट्यूनिंग करना पड़ेगा। कैपिट का ट्यूनिंग करना पड़ा हुआ ना। हाँ हाँ, 2 साल से ट्यूनिंग चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी निकलना है मुझे टॉक्सिक लेके, ठीक है काम है मुझे। गाड़ी बहुत गंदा है, धुलवाना भी है, होपफुली आज धुलवा देंगे। नेक्स्ट डे एंड मुझे पता नहीं है भाई कि आज 1 मार्च है वैसे, इसीलिए मैं डेट बोल दे रहा हूँ सारे वीडियोज में। मैंने ना 3, 4, 5 दिनों में इतना सारा शूट कर लिया, इतना सारा डेटा शूट कर लिया, मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से ब्लॉग में कौन से पार्ट डालूं, ठीक है मुझे मैं कंफ्यूज हूँ। जब सारा फाइल्स लेके बैठूंगा एडिट करने को तभी मुझे पता चलेगा। एंड दिस इज 1 मार्च एंड आई गेस ये SB308 का रिपेयर वाला ब्लॉग में जा रहा होगा,
तो उसका तो जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक मुझे नहीं मिला है, वो परसों दिन था एंड आई होप आज मुझे मिल जाएगा। एंड मैं कोई सेकेंड हैंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगाऊंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं एकदम ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और फ्यूज़ वो लगाऊंगा। एंड दिस इज़ माई एस्टीम टॉक्सिक। आई होप होंडा सिटी का डिलीवरी ब्लॉग अगर आप लोग देखोगे, पिछली इसके बाद देखोगे, इसके पहले देखोगे, मुझे पता नहीं है भाई सीरियसली। एंड उस वाले वीडियो में बोला था कि एस्टीम में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, मैं इसको लेके न्यू टाउन गया था, मतलब एक दिन में मैंने 80 किलोमीटर के ऊपर चलाया गाड़ी एंड इट वाज फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल क्योंकि जो आरपीएम है वो बहुत 1500 पे स्टक हो जा रहा था, देन एसी ऑन करने से गाड़ी बंद हो जा रहा था एंड देन ओवरहीटिंग इशूज एंड देन इसका क्या बोलते हैं वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा फूक रहा था, पीछे से वाइट स्मोक फेंक रहा था। दैट्स वाई अभी उसके बाद 3 घंटा मैंने गाड़ी ठंडा रखा, ठंडा किया, कहीं पर बैठा था एंड देन जाके ये परफेक्टली जैसे चल रहा था सुबह वैसे ही चल रहा था। अभी भी ये टच वुड परफेक्टली चल रहा है, आरपीएम थोड़ा ज़्यादा है इसका लेकिन चल परफेक्टली रहा है, तो उसी को दिखाने के लिए ले जा रहा है सुबह के पास। एंड इसमें आज कूलेंट डलेगा, पानी से चल रहा था ये एंड आज इसमें कूलेंट डलेगा, गियर ऑयल डबल होगा एंड थोड़ा बहुत और छोटे मोटे काम जो है वो होंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर हुआ तो काकू को लेके पकड़ के लेके आएंगे एंड अपना एसडी में लगाएंगे। सो भाई अभी लौट रहे घर पे एंड इधर में हीट का काटा था ये जो है ख़राब हो चुका था, ये इसका जो सेंसर होता है ये टूट चुका था तो इसको मैंने ठीक करवाया, पीछे का साइलेंसर थोड़ा घुस गया था उसको निकलवाया, पेडल सीधा करवाया और भी थोड़ा बहुत काकू ने ऑब्जर्व किया गाड़ी को, देखा थोड़ा बहुत ट्यूनिंग का काम हुआ कर दो। देयर इज़ अ कॉयल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ऑफ माई SV308 एंड इसको भी लगा के देखेंगे कि पिकअप ठीक है नहीं, कॉयल ठीक है कि नहीं वो पता नहीं है एंड देखते हैं इसको लगा के अगर ठीक ठाक चलेगा गाड़ी तो इसका जो नया आता है नया खरीद के लगा देंगे। अभी चलते हैं घर, राजबिहारी मोड़ का सिग्नल है भाई, ये गुरु जी है इधर पे अंधेरे में अपना कॉयल चेंज कर रहे हैं, देखते हैं इसके बाद पिकअप पकड़ पाता है कि नहीं एंड अगर पाता है तो हम जाएंगे घूमने। भाई चलाया नहीं गाड़ी को, तलब हो रहा है मेरे को। ये वाला स्पेयर कॉयल मिला था हम लोगों को यूज्ड है, अभी देखते ये काम करता है कि नहीं प्रॉपरली। एंड इधर है अपना पुराना वाला, तुम दिखाओ इधर। हाँ टॉर्च दिखाता है, स्क्रू गिर गया ना, बहुत स्क्रू मिलेगा, कितना चाहिए, डब्बा भर के पड़ा हुआ है, सब स्क्रू सब जगह नहीं ना लगता है बेटा, समझा, लगाओ पहले। चलो अपना नया वाला कॉयल जो है लग चुका है एंड गुरुजी है इधर पे, स्टार्ट करेंगे गाड़ी। बादी के ये दोनों में प्रॉब्लम है, मैं कल देखते हैं इसका। एंड ये वाला का स्विच हम लोगों ने ये जो वाइट कलर का स्विच है ये बदला है, तो अभी तो कॉयल ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा ठीक है, मेरा भी चलो चलो फर्स्ट मार्च एंड बेबी 8 इयर्स बर्थडे 9 इयर्स है तेरे पास बुद्धू हां बच्चा तो मां हां अरे अरे पागला कुत्ता देख दाड़ो के तुम्हारी डीप ओड़े बाबा आज से गेलो एक दिन देखे दो दो और दिन खाना पीने से दूर छिस ओड़े बाबा रे ओड़े 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 आके ओ बाघा इसे लाडला टू दे खुशी मम्मा ताको अरे वो देखे ताका
एंड यस एस बी हम लोग अभी तक नहीं चला है. एंड दिस वॉज इट. वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा इधर पे एंड कर देते क्योंकि भाई 3-4 दिन से लगातार चल रहा है वीडियो. एंड आज जो है कितना तारीख है आज 3rd of March. एंड आज जो है एस बी को लेके जाएंगे. वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. एंड गुरु जी आएंगे एस बी को लेके जाएंगे. एस बी का 90% ऑफ द काम जो है हो चुका है लेकिन एक प्लग पे जो है प्लग वायर शायद प्रॉब्लम कर रहा है. प्लग पे करेंट नहीं आ रहा है. कार्बोरेटर थोड़ा जाम है. एंड जो है डिस्ट्रीब्यूटर में थोड़ा वो जो कॉन्डेंसर होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए पिकअप नहीं ले रहा है गाड़ी. जब भी अब ज़्यादा रेस करते हो गाड़ी को तब वो बंद पड़ जाता है तो चुक मार के चलाना पड़ रहा है गाड़ी को. हम लोगों ने चलाया नहीं लेकिन आज चला के गुरु जी लेके जाएंगे. मैं नहीं चलाऊँगा मुझे डर लगता है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना. एंड इफ यू गाइस एंजॉय टुडेज वीडियो यू नो द ड्रिल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @emily.username404. एज ऑलवेज आई एम एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो रियल सून.